गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संध्या आज आपको सेवेंथ की इंग्लिश में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है थैंक यू गॉड, एक छोटी सी पोयम है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें इस छोटी सी कविता में हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमको सब कुछ प्रदान किया है। तो चलो लेसन हम लोग अपना पोएम रीड करते हैं। थैंक यू गॉड, भगवान का शुक्रिया। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल द क्रिएचर ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, फॉर द लवली ब्लू स्काई द सन द मून एंड ऑल, ऑल माइटी गॉड वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, मतलब इसका क्या हुआ कि हमारे चारों तरफ हमारे प्रकृति है, प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, बिग एंड स्मॉल, तो वो सभी छोटी और बड़ी हैं। फॉर ऑल द क्रिएचर ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर जितने भी पशु पक्षी, यानी क्रिएचर मीन्स क्या होता है, पशु पक्षी प्राणी जितने भी हैं, शॉर्ट एंड टॉल, वो छोटे और लंबे हैं। फॉर द लवली ब्लू स्काई, और प्यारा सा जो आसमान है, सुंदर सा, द सन द मून एंड ऑल, तो इस आसमान में और क्या है, सूरज है, चांद है, और भी मतलब हमारे आकाश में जितनी भी सारी चीज़ें हैं। ऑल माइटी गॉड वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल। ऑल माइटी मीन्स क्या होता है, सर्वशक्तिमान, तो ऑल माइटी गॉड यानी सर्वशक्तिमान ईश्वर, वी थैंक यू, हम आपका धन्यवाद करते हैं, एंड टू यू वी कॉल, और हम आपको पुकारते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे, गिव अस लव काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे, may we live in peace and harmony where we stay, give us the strength to serve you come what may. bless each one of us, इसका मतलब क्या होता है, bless मतलब आशीर्वाद, तो bless each one of us in your name as we pray, मतलब हम जब भी आपको पुकारते हैं आपके नाम से, ब्लेस ईच ऑफ वन ऑफ, हमें से प्रत्येक को आप आशीर्वाद दें, गिव अस लव काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे, लव मीन्स होता है प्यार, काइंडनेस मीन्स क्या होता है, उदारता, एंड करेज मीन्स क्या होता है, साहस, तो डे बाय डे मीन्स क्या हुआ, दिन प्रतिदिन, तो दिन प्रतिदिन आप हमको प्यार, उदारता और साहस प्रदान करिए। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मोनी वेयर वी स्टे, वेयर वी स्टे मतलब हम जहाँ कहीं भी रहें, मे वी लिव इन पीस एंड हार्मोनी मतलब हम जहाँ कहीं भी रहें, पीस यानी शांति, एंड हार्मोनी, हार्मोनी मीन्स क्या होता है, सामंजस्य, सद्भावना, यानी जहाँ कहीं भी हम रहें, शांति और सद्भावना यानी सामंजस्य से रहें। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम वॉट मे, कम वॉट मे मीन्स क्या होता है, चाहे जो भी हो, स्ट्रेंथ मीन्स बल, सर्व मीन्स सेवा, यानी गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम वॉट मे, यानी चाहे जो भी हो, हमें आपकी सेवा करने का बल प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। बी विथ अस ओ गॉड इन वॉट वी से एंड डू, एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड वी बो डाउन टू यू, मतलब बी विथ अस ओ गॉड यानी हे ईश्वर, आप हमारे साथ रहें, इन वॉट वी से एंड डू, हम जो कुछ भी कहें या करें, आप हमारे साथ रहें। एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड,
यानी एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना। तो हे ईश्वर हमारी इस प्रार्थना को, प्रेयर मीन्स प्रार्थना को स्वीकार करिए, वी बो डाउन टू यू, हम आपके सामने, बो डाउन मीन्स मतलब नतमस्तक हैं, सर झुकाए हुए हैं। ठीक है, तो इस कविता में ईश्वर को हम धन्यवाद करते हैं, इस तरह से ये बताया गया। ठीक है, थैंक यू बच्चों।